राजस्थान विधानसभा में आज राज्य का बजट पारित होगा और बजट पारित होने की तीसरी स्टेज शुक्रवार को यानी कि आज पूरी होगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त एवं विनियोग विधेयक पर जवाब पेश करेंगे। अब ऐसे में विधायकों की उम्मीद है कि नए जिलों की घोषणा हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले जिलों के गठन के लिए बनाई गई समिति का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी जिलों की आस लगाए बैठे हैं और विधायकों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिलों की सौगात दे सकते हैं। तो वहीं पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ये कहा है कि जब मुख्यमंत्री ने सब काम कर दिया है तो इस काम को क्यों अधूरा रखेंगे। राजस्थान के लोग जरूर हमसे मिलते हैं, कार्यकर्ता हमारे मिलते हैं, जनता मिलती है, तो वो कहती है कि मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ दिया है, जिला और संभाग वाला भी थोड़ा बहुत तोहफा मिले तो अच्छा रहेगा। तो लोगों की भावनाएं हैं, अब उनको मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कब सही समय है, कैसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर मैं मेरी व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम भी चाहते हैं कि सीकर संभाग बने, कुछ जिले मिलें, राजस्थान की जो जनता चाहती है वो सब काम कर दिए, तो ये एक काम बाकी मुख्यमंत्री जी क्यों रखेंगे, ऐसा हमारा मानना है। उधर शहीद वीरांगनाओं को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया कि कहीं भी सरकार के व्यक्तित्व के दौरान मंजू जाट